नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स एंड सिटीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स एंड सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जो आपका आने वाला RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, RRB NTPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स एंड सिटीज़ के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स और सिटीज़ का जो PDF है दोस्तों, ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसका PDF जो है दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन रिवर्स और सिटीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, जो आपका आने वाला NTPC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे इंडियन रिवर्स और सिटीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करें यहाँ पे जो सिटी है दोस्तों न्यू दिल्ली, और ये कौन सा नदी के किनारे में है दोस्तों, ये यमुना नदी के किनारे में है। और स्टेट कौन सा है दोस्तों, ये आपका कैपिटल है न्यू दिल्ली। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें श्रीनगर, जो आपका झीलम नदी के किनारे में है, और दोस्तों इसका जो स्टेट है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका है फिरोज़ापुर, जो आपका सुतलेज यहाँ पर नदी के किनारे में है, और ये दोस्तों आपका पंजाब में है। अहमदाबाद, जो आपका साबरमती नदी के किनारे में है, और ये दोस्तों आपका गुजरात में है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सूरत, जो आपका तापी नदी के किनारे में है, और ये भी दोस्तों आपका गुजरात में है। यहाँ पे वडोदरा, जो आपका दोस्तों विश्वामित्र, माही और नर्मदा नदी के किनारे में है, और ये भी दोस्तों आपका गुजरात में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बारूच, जो नर्मदा नदी के किनारे में है, और ये दोस्तों आपका गुजरात में है। नेक्स्ट आपका कोटा, जो आपका चंबल नदी के किनारे में है, और ये है दोस्तों आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऋषिकेश, जो आपका गंगा नदी के किनारे में है, और यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। हरिद्वार भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे में है, और ये भी है दोस्तों उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ भी दोस्तों आपका अलकानंदा नदी के किनारे में है, और यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद, जो भी आपका इलाहाबाद जो है दोस्तों, यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदी के किनारे में है, और दोस्तों यहाँ पे इसका जो है UP में है, आप सभी को पता है। उसके बाद दोस्तों कानपुर जो है गंगा है, कानपुर कैंटनमेंट ये भी गंगा है दोस्तों, वाराणसी भी गंगा है, मिर्ज़ापुर भी गंगा है दोस्तों, यहाँ पे फतेहगढ़ भी यहाँ पे दोस्तों गंगा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फारुखाबाद गंगा है, कौनौज भी गंगा है दोस्तों, सुल्कगंज भी यहाँ पे दोस्तों गंगा है, और चाकरी भी दोस्तों यहाँ पे गंगा है, और ये सभी नदी जो है दोस्तों आपका UP में है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मथुरा भी यमुना है, आगरा यहाँ पे दोस्तों यमुना नदी के किनारे में है, और ये यहाँ पे दोस्तों यमुना नदी के किनारे में है। इटावा यहाँ पे दोस्तों यमुना नदी के किनारे में है। उसके बाद दोस्तों जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे पे है, ये भी दोस्तों आपका UP में है। ये सभी दोस्तों जो है जो आपका UP स्टेट में है। लखनऊ जो है दोस्तों गोमती, और दोस्तों अयोध्या जो है यह दोस्तों सरयू नदी के किनारे पर है, ये भी दोस्तों आपका UP में है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे गोरखपुर जो है दोस्तों यहाँ पे राप्ती नदी के किनारे पर है, और ये दोस्तों आपका UP में है। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया भागलपुर, जो आपका गंगा, पटना गंगा, हाजीपुर भी है दोस्तों गंगा में है, और ये भी दोस्तों आपका बिहार में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गया फाल्गु नदी के किनारे पे है, ये भी आपका बिहार में है। ग्वालियर जो आपका चंबल नदी के किनारे पे है। उज्जैन दोस्तों सिप्रा नदी के किनारे पे है। आस्था पार्वती नदी के किनारे में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जबलपुर जो है वो आपका नर्मदा के नदी के किनारे पे है। ये सभी नदी जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे है, जो आपका वेस्ट बंगाल पे है। बानकी जो है दोस्तों महानदी के किनारे पे है। कटक जो है महानदी के किनारे पे है। संबलपुर जो है दोस्तों महानदी के किनारे पे है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों संबलपुर के बारे में। उसके बाद दोस्तों राउरकेला जो आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे पे है, ये सभी नदी जो है दोस्तों आपका उड़ीसा में है। उसके ब्रह्मपुर जो है रुस्किलिया यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में है, और छत्रपुर भी यहाँ पे दोस्तों रुस्किलिया यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में है। हैदराबाद जो है दोस्तों यहाँ पे मूसी नदी के किनारे पे है, ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं हैदराबाद। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें निज़ामाबाद, जो आपका गोदावरी नदी के किनारे पे है। राजमुंड्री गोदावरी नदी के किनारे पे है। दोस्तों यहाँ पे निज़ामाबाद जो है ये आपका तेलंगाना में है, लेकिन दोस्तों जो राजमुंड्री है ये आपका आंध्र प्रदेश में है।
कुरनाल जो है दोस्तों तुंगाभद्रा नदी के किनारे पे है, विजयवाड़ा जो है दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नदी के किनारे पे है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नेलोर जो है पेनार नदी के किनारे पे है, और ये दोस्तों सभी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे बेंगलोर, जो आपका विश्वभारती यहाँ पे नदी के किनारे पे है, और ये दोस्तों कर्नाटका में है। मैंगलोर जो है नेत्रावती गुरुपुरा नदी के किनारे पे है। शिमोगा दोस्तों जो है तुंगा रिवर के किनारे पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भद्रा बही भद्रा नदी के किनारे पे है। हॉसपेट तुंगा भद्रा नदी के किनारे पे है। कारवार काली नदी के किनारे पे है। उसके बाद दोस्तों बागलकोट जो है घाटा प्रभा नदी के किनारे पे है, ये भी दोस्तों आपका सभी कर्नाटका में है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें होनवार जो आपका शरावती नदी के किनारे पे है, और ये दोस्तों आपका कर्नाटका में है। नेक्स्ट आपका आ गया दोस्तों नासिक, जो आपका गोदावरी नदी के किनारे पे है, महाराष्ट्र में है। नैनीत जो गोदावरी नदी के किनारे पे है। सांगली जो कृष्णा नदी के किनारे पे है। करत जो है दोस्तों कृष्णा और कोयना नदी के किनारे पे है। पुणे जो है मूला और मुथुआ नदी के किनारे पे है। कारजट जो है दोस्तों उल्लास नदी के किनारे पे है, सभी जो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है। महात जो है सावित्री नदी के किनारे पे है। कोल्हापुर जो है दोस्तों पंचगंगा नदी के किनारे पे है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मेलगांव जो है गिरनार रिवर के नदी पे है किनारे पे है, और ये दोस्तों सभी महाराष्ट्र में है। उसके बाद दोस्तों तिरुचिरापल्ली जो आपका कावेरी नदी के है किनारे पे है। ईरोड जो है कावेरी नदी के किनारे पे है। चेन्नई जो है दोस्तों कोवम अद्यर नदी के किनारे पे है, ये सभी दोस्तों तमिलनाडु में है। मादुराई जो है भाईगाई नदी के किनारे पे है। कम्बाइटोर जो है दोस्तों नोयल नदी के किनारे पे है, ये सभी दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों तिरुवेन्ने वैली यहाँ पे दोस्तों तामीरा बारनाई नदी के किनारे पे है। कोटायम जो है दोस्तों यहाँ पे मीनाची जो आपका केरला में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है, जो आसाम में है। गुवाहाटी जो है दोस्तों ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है, जो आपका आसाम में है। उसके बाद दोस्तों रैंगपो जो है तीस्ता नदी के किनारे पे है, ये सिक्किम में है। और दोस्तों दमन जो है दमन गंगा रिवर के किनारे पे है, और ये भी दोस्तों आपका दमन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाइज जितना भी आपका रिवर और उसका जो सिटी है कौन सा सिटी के किनारे पे है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसका पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट था दोस्तों सभी सिटी और रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।